देख सकते हैं दोस्तों, ये है ऑरेंज का पेड़, ऑरेंज नारंगी का पेड़ है ये, और इसका जो है कलम लगाया गया है, मैंने लगाया है कलम कलम इसका जो है। और मैं आप लोग को दिखा दूं, बहुत सारे पेड़ों का कलम जो है मैंने खरीद के लाया था और कल ही इसको लगाया हूँ, देख सकते हैं। और ये दोस्तों बिहार बिहार में जो है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो है मेरा घर, तो वहीं का ये वीडियो है। और एप्पल सेब सेब भी जो है दोस्तों मैंने लाया है कलम, देखते हैं वो होता है कि नहीं, क्योंकि बिहार का क्लाइमेट कंडीशन जो है वो कश्मीर के जैसा नहीं होता है। फिर भी मैंने ट्रायल के लिए सेब का भी पेड़ जो है लगाया है, देखा जाए कि होता है कि नहीं होता है। और ये जो है आप देख सकते हैं, ये है जैक फ्रूट, जैक फ्रूट हम लोग जिसको कटहल बोलते हैं उसका प्लांट है ये, इसको भी मैंने लगाया है। देखते हैं ये जो है कितने कितना बड़ा होने के बाद जो है इसमें फल लगता है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है एप्पल का प्लांट, एप्पल का जो है ये ट्री है जो है, और इसमें जो है एप्पल का फ्रूट आएगा, देखते हैं ये होता है या नहीं होता है। तो ट्रायल के लिए मैंने इसको लगाया है, कल ही मैंने लगाया इसको दोस्तों, देख सकते हैं। बार दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है लीची, ये जो है लीची है, और ये भी लीची का कलम है, और ये भी बहुत छोटे से प्लांट में जो है लीची का जो फ्रूट है वो आएगा, देखते हैं कितने समय में ये आता है। और ये देख सकते हैं, ये है कागजी नींबू, लेमन का पौधा है ये नींबू का, और बड़े बड़े साइज का जो है नींबू इसमें होगा, अच्छे क्वालिटी का, तो ये अच्छा क्वालिटी का जो है नस्ल है ये, देख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कितने समय में जो है फल लगता है। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है दालचीनी, दालचीनी का ये पौधा है, ये भी छोटा सा है अभी, इसका जो है जो ये जो इसका स्टीम होता है, इसमें जो है छाल होता है इसका, इसका छाल को यूज़ किया जाता है खाना में स्वाद लाने के लिए, जैसे सब्जी वगैरह में डाला जाता है दालचीनी का जो है छाल, और उसमें जो है बहुत ही, इसका जो पत्ता है देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा जो है स्मेल करता है, और खाना का जो है स्वाद ये बढ़ा देता है। दिखने में बिल्कुल जो है ये जामुन के जैसा लग रहा है, ब्लैकबेरी के जैसा लग रहा है देखने में, जामुन के जैसा इसका पेड़, लेकिन ये है दालचीनी का पौधा। और ये देख सकते हैं, ये है अनार का, पोमीग्रेनेट अनार का है ये, बहुत ही अच्छा जो है अच्छे नस्ल का है ये अनार का पौधा, देख सकते हैं ये भी बहुत छोटा है, देखते हैं इसमें भी कितने समय में जो है फल लगता है। और ये है गाभा, अमरूद का पेड़, अमरूद है दोस्तों, बहुत छोटा है अभी, और ये भी जो है कलम है, बहुत छोटे से पेड़ में जो है इसमें फल लगेगा, और बहुत अच्छे क्वालिटी का अमरूद ये है, देखते हैं इसमें भी कितने समय में जो है फल लगता है। देख सकते हैं इतना सारा जो है ये पौधा लगा हुआ है, उसी समय में जो है ये बहुत घना हो जाएगा। फिर मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में जो है, नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को मैं दिखाऊंगा कुछ समय में, जिसमें कि मैं दिखाऊंगा इसमें ये कितना घना हो गया, कितना बड़ा है, और कितना कितना बड़ा होने के बाद जो इसमें फल आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक जो है इसमें फ्रूट लगा हुआ है। फिर इस साइड में जो है बैगन लगा हुआ है, और यहाँ पर जो ये देख रहे हैं, ये है आपको बीट, बीट रूट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो रेड कलर का होता है, जिसको सलाद में हम लोग यूज़ करते हैं वो है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे है, ये जो है ये है कॉलीफ्लावर, इसको हम लोग बंद गोभी बोलते हैं वो है, और उसके साइड में बीट रूट ही लगा हुआ है यहाँ पे, और उधर जो है बंद गोभी लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये मैंने लगभग एक हफ्ता 10 दिन पहले लगाया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो है एक दो क्यारी में जो है प्याज लगा हुआ है, ये भी मैंने लगभग 10 दिन पहले लगाया था, देख सकते हैं इधर भी है और इधर भी है। बाकी इधर देख सकते हैं ये मेथी है ये साइड साइड, और ये जो है मिर्च का पौधा है, अभी छोटा है, हरी मिर्च का पौधा है। और इधर जो है लाल साग, देख सकते हैं ये जो है लाल साग है, और इसके बीच बीच में हरा साग भी लगा हुआ है, लाल साग जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है ये हेल्थ के लिए, देख सकते हैं। अभी बहुत छोटा है, करीब करीब 5-6 दिन हुआ है इसको लगाए हुए, बीज ही इसमें डाले थे हम लोग, तो अभी थोड़ा समय लगेगा इसको होने में,
नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा। और यहाँ पे साइड में कुछ फूल का गाछ लगा हुआ है, और फिर यहाँ पे देख सकते हैं फूल का पेड़ है कुछ साइड साइड से, और उसके आगे आगे ये भी जो है बीट रूट ही है, जिसको हम लोग शलजम बोलते हैं, सलाद में डाला जाता है। देख सकते हैं बीट रूट है ये आगे आगे, और पीछे पीछे जो है फूल का कुछ पौधा लगा हुआ है, कुछ ही दिन हुआ है इसे लगाए हुए। देख सकते हैं ये जो है बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर है, ये सब अभी छोटा है बहुत, बहुत जल्दी ये जो है बड़ा हो जाएगा तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा देखने में। देख सकते हैं तो बहुत जल्द जो है नेक्स्ट पार्ट दोस्तों मैं लाऊंगा, तो आप लोग ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि मैं इस तरह का वीडियो जो है आप लोग के लिए हमेशा लाता रहूं। देख सकते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारा चीज़, ये जो है ये जो क्यारी है ये अभी खाली है, इसमें भी बहुत जल्द कुछ लगाने का प्रयास करूँगा और मैं आप लोग को बताऊँगा। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।